सोलो थोड़ा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्योंकि हर साल हर हमारी परंपरा रही है कि हम हमेशा हर त्यौहार डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन शाही प्रोडक्शंस आई शाही प्रोडक्शंस में हम हर त्यौहार मनाते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो चाहे क्रिसमस। और कुछ मौके ऐसे आते हैं जब सारी टीम साथ में बैठती है, बिकॉज मेरा मानना ज़रूर है, ये मेरा मानना है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो मगर जब तक ऊपर वाले की खुदा की भगवान की ब्लेसिंग नहीं होगी आप पे। एंड मेहनत करो बट हमको हर दिन याद करना पड़ता है कि दैट देर इज़ एन ऑलमाइटी, देर इज़ यू नो उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हमें बरकत मिलती है और यू नो टीम खुश रहती है, टीआरपी तो आएगी जाएगी। जिस तो तीनों शो की मैं बात करूँ इतना प्यार मिलता है, टीआरपी में भी नंबर वन पे ही रहता है शो, आप किस तरह देखता है एज अ मेकर? बस खुशी मिलती है, टीम को साथ में खुश रहना चाहिए। मेहनत तो बहुत है बट जब टीम साथ में मिलती है मेहनत करती है एक टीम बॉन्डिंग। मैं हमेशा मेरा कहना है कि टीम ही शो चलाती है, एक इंसान शो नहीं चलाता। राइट सिर्फ केवल एक इंसान के कंधे पे चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे एक्टर हो चाहे राइटर हो चाहे डायरेक्टर हो नहीं चलता, एक टीम ही शो को अच्छा चलाती है। तो वो टीम स्पिरिट की आज यू नो सब साथ में बैठेंगे और इफ्तार पार्टी होगी तो अच्छा लगेगा। सर तो आज इफ्तार पार्टी में कुछ स्पेशल होगा? स्पेशल है, सारी टीम साथ में मिलेगी, अपना साथ में बातें करेंगे, प्रे करेंगे कि ऐसी बरकत रहे शोज पे, ऐसी गुड फीलिंग रहे, सो वही स्पेशल बात है। ये मंथ की मैं बात करूँ काफ़ी स्पेशल मंथ होता है। हाँ जी। आप किस तरह आप चाइल्डहुड में भी किस तरह एंजॉय करते थे इस मंथ? नहीं ये क्या सबको साथ में चलते हैं जब हमारे सेट पे इफ्तार होता है, सब फास्टिंग जो हमारी टीम मेंबर्स करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ यू नो एक बहुत अच्छा वातावरण एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, यू नो विच यू फील वेरी गुड, बोलते ना पायस फीलिंग आती है, तो वो एक अच्छा लगता है कि सब फिर साथ में, फिर ईद आएगी सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे, शुरू से कभी कोई एक्टर लंच कर देगा ईद के दिन एंड ऑल, तो वो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। आप आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हो सर। अरे यार मैं नहीं, हाँ आपके लुक मैं खाली ब्लैक जीन्स और शर्ट पहनता हूँ सबने देखा होगा, बट आज सोचा एक स्टोल भी पहन लूँ क्योंकि एक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। या हम सब लोगों की हिफाजत करवाने वाला, हम सब की कमाई में बरकतें अदा करना, और नीति जी और राजन जी की हमारे शोज की कमाना पूर्ण रूप शहर के साथ उनके लकड़ी पर अदा करना, और जिनके बाद में जा चुके हैं उनकी लकड़ी पर अदा करवाना, उन सबको जनता के प्रोग्राम के आला से आला निर्माण अदा करना। चीजें रेडी है, आप लोग प्लीज हेल्प योर सेल्फ। बस भाई
हेलो थोड़ा इधर आ जाइए ना, फिर पीछे कोई आना चाहे तो सर सर लुक इधर दिया रेडी सर सर मैडम मैडम सर मुझे इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्केल पे सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि अपेरेंटली DKP में हमेशा किया जाता था ये, बट मेरे ख्याल से 2 साल कोविड की वजह से ये सेलिब्रेशन नहीं हुआ. इस साल उन्होंने रखा है क्योंकि कोविड का भी वो वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था. एंड ऑल दीज पीपल हियर टुगेदर अंडर वन रूफ, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ऑपर्चुनिटी. यस बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि कोविड की वजह से इतना स्केल पे हम नहीं पहले सेलिब्रेट कर पा रहे थे, जो कि जितने भी छोटे छोटे फेस्टिवल्स से बड़ी फेस्टिवल सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सब साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं. तो अब जबकि वो कोविड का पूरा थ्रेड भी कम हो गया है, सो नाउ इस लेवल पर इन्होंने किया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे आके भी आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि कितने सुंदर तरह से इन्होंने पूरी जगह को डेकोरेट किया है. तीनों फैमिली साथ में है, सो ऑफकोर्स इट्स अ वंडरफुल फीलिंग सबके साथ एक साथ यूनाइट करना, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, बाकी जो शोज़ हैं उनके लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बातें करना यहाँ पे एक साथ एज अ DKP फैमिली. सो ऑफकोर्स इट्स वेरी गुड एंड बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि DKP फैमिली का एक ट्रेडिशन है जो अब तक उन्होंने बरकरार रखा है. सो इट्स ब्रिलियंट. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इबादत के लिए कुछ भी करते हैं, या हम लोग जैसे पूजा पाठ के लिए जब भी कुछ करते हैं, या मैं व्रत रखता हूँ जब मुझे मालूम है कि जैसे आज मेरा व्रत है, मेरा प्रदोष का व्रत है शिव जी के लिए मैं रखता हूँ, तो जब व्रत आप रखते हैं ना तो अंदर से एक आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, और यही मुझे लगता है डिवाइन चीज़ होती है कि आपको ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि जो हम लोग रोज़ खाना खाने वाले हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, बट आज के दिन आपको बिल्कुल वो महसूस नहीं होता है कि आज आपने कुछ नहीं खाया है या कुछ ऐसा नहीं लिया है कि आपको एनर्जी मिले, बट स्टिल वो उसकी जो इबादत है, उसकी जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, या जो मन में उसके लिए आस्था है, विश्वास है, उसकी वजह से हम लोग को अंदर से इतनी ताकत मिलती है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू.
ढूंढ रहा था, चल रहा है। प्लीज आ जाइए, शरीर शरीर भाई प्लीज आ जाओ, रमेश जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राजन सर ऑब्वियसली ट्रीट्स एवरीबडी लाइक फैमिली, उन्होंने हमेशा सारे कास्ट क्रू को फैमिली की तरह ट्रीट किया है। सो वी आर ऑलवेज कॉल्ड डी के पियंस बिकॉज इट्स अ डी के पी फैमिली एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस जेस्चर दैट आज इफ्तार पार्टी रखी गई है, हम तीनों के तीनों शोज सब एक साथ हैं और वो तो है अलबेला के सेट पर है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ही सेट पर सब लोग हैं। इतना खूबसूरत डेकोरेशन है, इतना अच्छा खाना है, सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर एंड वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। चुना आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये जो भी है अनुप भाई अरे भाई हमने टी के पी को आई थिंक ये अवार्ड सारे मेंबर्स को जाता है, सारे कास्ट क्रू यूनिट को जाता है क्योंकि टीम की वजह से ही हम अच्छा काम करते हैं। एक अच्छी यू नो एक अच्छी ईमानदारी एक अच्छी नीयत के साथ जब लोग जुड़ते हैं और जो मेरी कंपनी का हमेशा पिलर्स रहे हैं आरिफ रंजीत जी विवेक रोहनी और बहुत सारे लोग जो साथ में जुड़े हैं अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और आपकी तरफ से इस वक्त की मिली है। मैं बात कहना चाहूँगा इसके अगर आप सुन सकते हैं पार्टी बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हर इफ्तार पार्टी जो राजन सर रखे हैं इट्स ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल। ये वाली आई थिंक कोविड के बाद आफ्टर 3 years हुई है एंड माहौल बहुत ब्यूटीफुल है हर बार की तरह और राजन सर के साथ एक मेरा फैमिली जैसा एसोसिएशन है टाना शोवर थे एंड उसके बाद से ही इज़ ऑलवेज यू नो मेड मी फील लाइक अ डॉटर एंड अभी उनकी जो तीन शोज है उनकी फैमिली बढ़ गई है सो ही वॉन्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल and I'm very happy to join this. यहाँ पे सभी family नजर आ रही है आपको, आपके सब co-stars यहाँ पर, आपको कैसे लग रहा है सभी को देख? सबसे मिलके खुशी हो रही है, I know everyone और काफ़ी DKP की टीम से मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ सो सबको देख के एक हैप्पीनेस हो रही है बिकॉज इट फील्स लाइक होम हियर। आपके फैंस ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं आप क्या विशेष देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूँगी मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक और दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सर, आई गेस बहुत कम ऐसा मौका मिलता है सबके साथ वक्त बिताने का, सबसे मिलने का और आई गेस ये सिर्फ राजन सर और DKP प्रोडक्शन हाउस की वजह से ही पॉसिबल है और ऐसे प्रोडक्शन हाउस में ही होती है ये सब चीज़ें कि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे राजन सर को ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम सबको बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव माहौल था एंड ऑल ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर मेंट टू बी यू नो ऐसा पॉजिटिव और ढेर सारे लोग खुशियाँ बांटें, ढेर सारा अच्छा खाना खाएँ, लॉट ऑफ यमी फूड ऑल्सो, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी जो इनको बहुत कमी से मिलते हैं उन सबको मिल के बहुत अच्छा लगा। चाहूँगी एक बार आप सब लोग मिलकर जो हमारे सबको देख रहे होंगे एक बार ईद विश करें आप सब लोगों को ईद मुबारक।